जन्नत 2 में इमरान का कौन सा कॉपी हुआ था रोल? जन्नत 2 में डेब्यूट करने वाली ईशा क्यों हुई ट्रोल? जन्नत 2 में 10 साल पूरे होने पर ईशा ने क्यों रखी जेंडर इनइक्वालिटी की बात? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म जन्नत पार्ट 2 के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। बॉलीवुड की दुनिया में अंडरवर्ल्ड और डॉन का काफी ज्यादा क्रेज शुरुआती से ही रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर यदि यकीन किया जाए तो जन्नत पार्ट 2 में हमारे बॉलीवुड एक्टर, मशहूर बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कॉपी की थी, वो भी स्टाइल और लुक के साथ। और इमरान हाशमी ने पहले भी डॉन का किरदार निभाया था उनकी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम, और फिर जन्नत पार्ट 1 में उन्होंने एक बुकी का कैरेक्टर निभाया था। और फिर अंत में दिखाया जाता है कि वही कैरेक्टर अंत में साउथ अफ्रीका भाग जाता है। लेकिन ये एक बात तो साफ साफ दिखाई देती है कि सीक्वल और जन्नत पार्ट 1 दोनों ही अलग अलग कहानियां हैं। वहां जन्नत पार्ट 2 में इमरान हाशमी एक दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वो अंडरवर्ल्ड और दूसरी दुनिया के अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं। इस फिल्म को 10 साल पूरे हो गए हैं और इस फिल्म को 2008 में ही रिलीज किया गया था। वहीं दूसरी ओर ईशा गुप्ता की ये फिल्म पहली फिल्म रही थी और इस फिल्म में उनकी आवाज को डबिंग किया गया था और उनकी आवाज को मोना घोष शेट्टी ने डब किया गया था। और वहीं दूसरी ओर रणदीप हुड्डा और इमरान हाशमी की ये दूसरी फिल्म रही थी। पहली बार उन्होंने एक साथ काम वंस अपॉन अ टाइम फिल्म में किया। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा से पहले संजय दत्त को साइन किया गया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद विवेक ओबेरॉय को भी इस रोल का ऑफर उनको दिया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने को मना कर दिया। वहीं साथ ही साथ मुंबई की अदालत में फिल्म के राइटर कपिल चोपड़ा ने अदालत में अपनी फिल्म का मेकर्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट चोरी कर ली है। फिर उसके बाद हाईकोर्ट ने ये फैसला किया कि मेकर्स जल्द ही जल्द फिल्म के राइटर कपिल चोपड़ा को 10 लाख रुपए दे। फिल्म के 10 साल पूरे होने पर फिल्म की एक्ट्रेस ईशा गुप्ता को एक और बार फिर कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था। वो अक्सर सोशल मीडिया पर एक्सपोज पिक्चरें डालती ही रहती हैं और काफी ज्यादा ट्रोल भी होती ही रहती हैं। तो हाल ही में उन्होंने एक पिक्चर इंस्टाग्राम पर शेयर की जहां वो बालकनी में खड़ी हैं और धूप सेक रहे हैं और वो टॉपलेस हैं और उनकी पीठ कैमरे को दिखाई दे रही है। तो वहीं उनके पोस्ट के कमेंट्स की बाढ़ पे आ गई थी और उन्होंने अपनी इस पोस्ट को लेकर खुलासा किया। वहीं दूसरी ओर ईशा गुप्ता जेंडर से की बात करती है कि दूसरी ओर कई मेल एक्टर्स हैं और कई सारे हीरोज हैं जो शर्टलेस पोस्ट करते हैं, लेकिन उनको कोई कवर करने नहीं कहता, बल्कि उनकी तारीफें की जाती हैं, वाह क्या बॉडी है ऐसा कहा जाता है, तो उनको क्यों नहीं कोई कवर करने के लिए कहता? और जब महिलाएं भी वही सेम चीज करें तो महिलाओं को क्यों कवर करने को कह रहे हैं? वैसे कई महिलाएं को अक्सर देखा गया है कि महिलाओं के कपड़ों के ऊपर रेप को बढ़ावा देखने की बजाय आप ढूंढते रहते हैं कि ये सोच काफी दोष ठहराने वाली है और इस सोच काफी छोटी सोच है। फिर उसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी 10 साल पहले इमरान हाशमी के साथ पहली फिल्म जन्नत पार्ट 2 को याद करते हुए कहा था कि विश्वास नहीं हो रहा कि आज से 10 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री में एंट्री की थी और इमरान हाशमी के साथ जन्नत पार्ट 2 फिल्म की थी। तो मैं आज जो भी हूँ आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बदौलत हूँ। तो आपको जन्नत पार्ट 2 कैसी लगी थी और ईशा के विचार आपको कैसे लगे ये आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ।